हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स कम्पीट मी। अगर आप हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी सारी वीडियो नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए आज कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली हम आज कुछ MCQs डिस्कस करने वाले हैं, जो चैप्टर्स हमने पढ़े हैं उससे रिलेटेड MCQs जो प्रीवियस ईयर CTET में पूछे गए हैं। इन MCQs को कराने का मेरा सिर्फ एक मकसद है कि आपको ये समझ में आए कि चैप्टर पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है और टॉपिक को अंडरस्टैंड कितना करना ज़रूरी है, बजाय कि MCQs खाली रटने के। क्योंकि जब तक आप एक टॉपिक को या एक चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप जो MCQs हैं उनको नहीं कर पाएंगे। और CTET में बहुत ही डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो अगर आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे, उसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी, तो आपका कोई MCQs गलत नहीं होगा। तो बेसिकली इसका उद्देश्य यही है कि आपको ये पता चलेगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं CTET में, ओके, और किस तरीके से हमें आगे पढ़ना है। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज A teacher of class 8 demonstrates the following activity in her class. The teacher takes a small amount of sulfur in a spoon and burns it. She then puts the spoon into a tumbler with a lid to ensure that the gas produced does not escape. After a few minutes, she adds water to the tumbler. Basically, kya hai? Teacher ne ek chammach ke andar sulfur liya, usko jalaya aur uske baad us chammach ko usne ek glass ke andar rakh diya jisme already ek dhakkan tha taki jo gas niklegi to wo bahar na ja paye. और थोड़ी देर बाद में उसने उसमें पानी मिला दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है कि व्हाट हैपन्स इफ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर आर पुट इनटू द टम्बलर। क्या होगा अगर लाल और नीले लिटमस पेपर को उस ग्लास के अंदर लेकर जाया जाए। देखिए, ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट की। तो इसमें हुआ क्या है कि सल्फर को बर्न किया, और बर्न हमेशा ऑक्सीजन के साथ किया जाता है, ये मैंने बताया हुआ है अपनी वीडियोज़ में। तो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, सल्फ़र डाइऑक्साइड के में वाटर मिलाया तो सल्फ्यूरस एसिड फॉर्म होता है, H2SO3। और ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में जब मैंने मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ाया था, ठीक है। तो अब ये जो सल्फ्यूरस एसिड बना है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, बिकॉज ये एक एसिड है तो ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा, सिंपल सी चीज़ है। तो इसका आंसर होगा ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, नीला लिटमस लाल हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए, अभी आपको पता चला कि चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग होना कितना ज़रूरी है। आप खाली MCQs पे फोकस करते हैं कुछ स्टूडेंट, तो उससे कुछ भी नहीं होगा, उससे आपको बहुत प्रॉब्लम्स ही होंगी, क्योंकि MCQs रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक चैप्टर से हज़ार तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, और वो तभी होंगे जब आप चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। ट्रस्ट मी, आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप चैप्टर्स अच्छे से पढ़ते हैं। तो वीडियोस पूरी देखा कीजिए जो चैप्टर्स के ऊपर होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इन द अबव डेमोस्ट्रेटेड एक्टिविटी विच सबस्टेंस इज फॉर्म्ड व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर। जैसे मैंने पुरानी अभी इक्वेशन जो लिखी थी उसमें मैंने बताया था सल्फ्यूरस एसिड बनता है, तो सल्फर हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, सल्फ्यूरिक नहीं बनेगा, ये सल्फ्यूरिक ऑक्साइड तो कुछ होता ही नहीं, ये भी नहीं बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड बनता है, H2SO3, ठीक है। तो H2SO3 बनेगा, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ओके। अगला क्वेश्चन आप इसमें देखिए, विच प्रोसेस स्किल कैन बी प्रमोटेड थ्रू द अबव एक्टिविटी। ये जो एक्टिविटी हमने करी है उसके द्वारा किन प्रक्रिया कुशलताओं को प्रोत्साहित किया जाता है। देखिए, साइंस में ना कुछ प्रोसेस स्किल्स होती हैं, जैसे कि ऑब्जर्वेशन होता है, क्लासिफिकेशन होता है, मेजरमेंट होता है, इन्फ्रेंस होता है, ग्रुपिंग होती है, तो इस तरह की कुछ प्रोसेस स्किल्स होती है साइंस में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इन प्रोसेस स्किल में से कौन सी प्रोसेस स्किल्स इससे हमारी बेटर होंगी, ठीक है। तो सबसे पहली देखिए, ऑब्जर्वेशन एंड कंट्रोलिंग वेरिएबल नहीं, ये नहीं होगा। ऑब्जर्वेशन, इन्फ्रेंस एंड मेजरमेंट, इसमें हमने ऑब्जर्व भी किया, निष्कर्ष भी निकाला, लेकिन कुछ मेजर नहीं किया, तो ये भी इसका आंसर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट, अगेन इसमें मेजरमेंट आया तो कुछ मेजर तो हम एज सच कुछ कर नहीं रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आप देख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड इन्फ्रेंस, ये इसका ऑप्शन होगा मेरे हिसाब से, यही होना चाहिए। बिकॉज ऑब्जर्वेशन में देखिए, आपने ऑब्जर्व किया, प्रैक्टिकल एक हो रहा है कि सल्फर को जलाया जा रहा है, तो आप ये ऑब्जर्व किया, उसके बाद आप ये क्लासिफाई कर सकते हो कि जो कि हमारे नॉन मेटल होते हैं उनके ऑक्साइड्स जो है वो एसिडिक होते हैं। ये आपको इस पूरा जो प्रक्रिया है इससे समझ में आया, ये आपने क्लासिफिकेशन निकाल दिया, क्लासिफाई कर सकते हो, मतलब कि जो आपके एस नॉन मेटल हैं उनके जो एस ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। और इन्फ्रेंस, रिजल्ट आपने इसे निकाल ही दिया है कि हमारा जो है रिजल्ट आपका ये निकला है
कि आपने जो है जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो हमारे जो है एसिडिक होता है, स्पेशली आप सल्फर का एग्जांपल दे रहे हो तो सल्फर का जो ऑक्साइड है वो एसिडिक हुआ, तो इसका जो ऑप्शन होना चाहिए दैट शुड बी ऑब्जर्वेशन क्लासिफिकेशन एंड इन्फ्रेंस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यू हैव थ्री टेस्ट ट्यूब एक्स वाई एंड जेड, हाफ फिल्ड विद डिफरेंट सोल्यूशन एज एक्स इज फिल्ड विद सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, वाई इज फिल्ड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एंड जेड इज फिल्ड विद डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑन एडिंग वन ड्रॉप ऑफ फिनोफ्थेलिन सोल्यूशन टू ईच ऑफ द अबव सोल्यूशन यू वुड ऑब्जर्व द सोल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब्स एज। तो बेसिकली ये है कि आपके पास तीन टेस्ट ट्यूब है, एक्स में आपने सोडियम क्लोराइड भरा है जिस जो कि बेसिकली सॉल्ट है, तो पहली टेस्ट ट्यूब में आपका सॉल्ट है। वाई में आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड भरा है तो वाई में आपका बेस है, एंड जेड में आपने भरा है HCl, HCl होता है एसिड। तो अगर आप इसमें फिनोफ्थेलिन डालते हैं तो क्वेश्चन ये पूछा है कि अब जो सोल्यूशन बनेगा वो किस तरह का, बेसिकली फिनोफ्थेलिन के इंडिकेटर है ये आपको पता है, और ये सब कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करवा चुकी हूँ बहुत अच्छे से, टेबल भी मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है। तो अब ये देखना है कि होता क्या है। देखिए बेस में जो फिनोफ्थेलिन है वो आपको पता होगा पिंक कलर देता है, एसिड के अंदर कलरलेस और सॉल्ट के अंदर भी कलरलेस, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर वन, दैट इज एक्स इज कलरलेस रंगहीन, वाई इज पिंक एंड जेड इज कलरलेस, वाई में गुलाबी एंड जेड में रंगहीन, तो उसका ऑप्शन होगा ये। तो अब देखिए आप कितना ज़रूरी है चैप्टर को समझना, अगर आप चैप्टर्स को नहीं समझेंगे तो एमसीक्यूज कितने आप रट पाएंगे, और इस तरह के क्वेश्चंस कहाँ एमसीक्यूज में फ्रेम होते हैं। तो क्वेश्चन फ्रेमिंग बहुत ज़रूरी है सीटेट की, समझना कैसे क्वेश्चंस आते हैं सीटेट में। अगला क्वेश्चन देखो, व्हेन वी ऐड एल्यूमिनियम फॉइल टू फ्रेशली प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन अ गैस इज प्रोड्यूस्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली स्टेट्स द प्रॉपर्टी ऑफ दिस गैस। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के ताजा बने जलीय विलयन में एल्यूमिनियम की पन्नी डालते हैं तो कोई गैस उत्पन्न होती है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन इस गैस के गुणों का सही वर्णन करता है। बेसिकली एल्यूमिनियम एक मेटल है, जब आपने इसकी रिएक्शन करवाई है सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो कि बेस है, ठीक है, तो क्वेश्चन है कि एक गैस उत्पन्न होती है, उस गैस के जो गुण हैं वो क्या क्या हैं। तो जब भी कोई मेटल किसी बेस के साथ रिएक्शन करती है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है, हम ये मेटल एंड नॉन मेटल के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और वो जो हाइड्रोजन गैस होती है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, जब एक आप टेस्ट ट्यूब में सपोज ये एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, एक माचिस की तीली लेकर जाइएगा आप टेस्ट ट्यूब के पास, जब उससे हाइड्रोजन गैस निकलेगी ना तो सडनली वह एक पॉप साउंड के साथ बर्न होगी, तो हाइड्रोजन हमेशा एक पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, और ये कलरलेस एंड गंधहीन होती है, इसमें ना स्मेल नहीं होती, ऑडरलेस होती है ये। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस विच प्रोड्यूसेस अ पॉप साउंड व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट। और ये सब हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं मेटल एंड नॉन मेटल के चैप्टर में, और मेटल्स जो है सिर्फ बेस के साथ ही नहीं एसिड्स के साथ भी जब रिएक्शन करती हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक्वा सोल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स विल चेंज द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस टू रेड। नीचे दिए गए ऑक्साइड में से किसका जलीय विलयन नीले लिटमस का रंग लाल कर देगा। देखिए नीले लिटमस का रंग लाल करने का मतलब सीधी सी बात है कि ऑक्साइड कैसा होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए, बिकॉज जो एसिड्स होते हैं वही नीले लिटमस को लाल करते हैं। अब कौन से ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, जो नॉन मेटल होती है उनके ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, तो सीधी सी बात है इसमें आपको नॉन मेटल का ऑक्साइड छांटना है, और ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी वीडियोज़ में। कॉपर ऑक्साइड आंसर नहीं होगा बिकॉज इट्स अ मेटल, आयरन ऑक्साइड भी आंसर नहीं होगा बिकॉज इट्स अ मेटल, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी आंसर नहीं होगा बिकॉज इट्स अ मेटल, तो आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड, बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड नॉन मेटल का ऑक्साइड है और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और इसी वजह से नीले लिटमस को लाल कर देता है उसका सोल्यूशन। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स बर्न्स इफ कैप्ट इन एयर। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये बहुत बार हम डिस्कस भी कर चुके हैं, तो इसका आंसर होगा सोडियम, सोडियम एंड पोटेशियम बेसिकली जो वायु में उनको रखा जाता है तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एक्टिव मेटल्स हैं तो वो बर्न करने लगती हैं, इसी वजह से उनको कैरोसिन में भी रखा जाता है सोडियम एंड पोटेशियम को, जिससे वो सीधे सीधे एयर के संपर्क में ना आए। अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड एज। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस तरीके से यूज़ होता है, बहुत बार ही सीटेट में पूछा हुआ है और हम लोग तो पता नहीं कितनी बार इसको डिस्कस कर चुके हैं,
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, बेसिकली ये एक एंटी एसिड है और ये एसिडिटी के पेशेंट्स को दिया जाता है ताकि उनका जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, बिकॉज इट्स अ बेस। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है जो कि एक एंटी एसिड की तरह से रिएक्ट करता है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस बर्न्स विद पॉप साउंड, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। देखिए हम मैंने अभी बताया आपको, हाइड्रोजन गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है, पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। जब मेटल को हम एसिड या बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है, जो कि एक पॉप साउंड के साथ बर्न करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो चैप्टर्स हमने पढ़े हैं उनसे रिलेटेड, और इन एमसीक्यूज को कराने का मेरा मकसद यही था कि आपको एक बार ये पता चल जाए कि सीटेट में क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं और कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एक चैप्टर को पढ़ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग करना। अगर एक चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, और 30 out of 30 आप बहुत ईजिली स्कोर कर सकते हो साइंस में। बस ज़रूरत है थोड़े से कंसंट्रेशन की और चैप्टर्स को पढ़ने की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आगे भी इसी तरह के एमसीक्यूज लाने वाले हैं जब हम आगे और चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और अपने घर में सेफ एंड सुरक्षित रहिए। थैंक यू।